हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल तो आज है फिफ्टी सिक्स डे यानी छप्पनवे दिन का पार्ट टू वीडियो और पार्ट वन में हमने लेन देन यानी डीलिंग्स से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो हमने कवर किए थे और आज हम नए सेंटेंसेस शुरू करेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड है यानी व्यापार से जो रिलेटेड है ऐसे कुछ और नए सेंटेंसेस है आज के लिए तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या उनसे आपका कोई लेन देन है लेन देन है यानी कि आप कुछ बिजनेस उनसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है तो हमें एक सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करना है जिससे वो क्वेश्चन के रूप में फॉर्म हो सके तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डू यू से तो डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम डीलिंग्स का मतलब यहाँ पे लेन देन डू यू हैव एनी डीलिंग्स विथ हिम क्वेश्चन मार्क आप नौकरी करते हैं या बिजनेस नौकरी यानी कि सर्विस बिजनेस यानी कि बिजनेस तो आर यू इन सर्विस और बिजनेस तो यहां पे सेंटेंस हमने शुरू किया आर से तो अगर हमें कोई ये कहता कि आप बिजनेस करते हो तो हम सिंपल बोलेंगे यू आर डूइंग बिजनेस यानी आप बिजनेस करते हो वही हमसे कोई पूछेगा क्या आप बिजनेस करते हो उल्टा तो हम कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ आर को आगे लगा देना है के तो आर यू डूइंग बिजनेस क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं सिर्फ ये जो आर है या डू है इस सेंटेंस में ये हमेशा के या आई के मतलब जो भी प्रोनाउन है उसके पहले लग जाएगा तो ऐसे यहां पे हो जाएगा आर यू इन सर्विस और बिजनेस आजकल बिजनेस की अच्छी हालत है अच्छी हालत है यानी आजकल जो बिजनेस है वो खूब फल रहा है खूब फूल रहा है मतलब अच्छा खासा आसमान छू रहा है तो बिजनेस इज फ्लरिशिंग दीज डेज तो यहाँ पे फ्लरिशिंग मतलब अच्छी हालत है फ्लरिशिंग का मतलब होता है कि और ज्यादा बढ़ रहा है और आजकल यानी दीज डेज नेक्स्ट है सेंटेंस स्टेशन से पार्सल छुड़ा लाओ छुड़ा लाओ यानी कि स्टेशन से पार्सल को ले आओ घर पे तो गेट द दे पार्सल डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टेशन डिलीवर्ड यानी स्टेशन से घर पे आ जाए इस, इसके लिए हम कह रहे हैं डिलीवर्ड नेक्स्ट है आओ हम सौदा करें सौदा यानी डील तो अस हैव अ डील तो जब भी ऐसा सेंटेंस होता है कि आओ हम चलते हैं या आओ हम गाते हैं तो हमेशा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है लेट अस से आओ हम चलते हैं अस गो आओ हम गाते हैं अस सिंग वैसे ही आओ हम सौदा करें तो अस हैव अ डील मेरा पेमेंट दिलवाइए प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस तो यहाँ पे जैसे मजदूर कह रहा है कि आप मुझे मेरा पेमेंट दिलवा दीजिए तो इस केस में जो डेली का जो पेमेंट है वो वेजेस होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है तो यहाँ पे प्लीज अरेंज यानी बंदोबस्त कर दीजिए यानी मेरे लिए पेमेंट की व्यवस्था कर दीजिए प्लीज अरेंज फॉर द पेमेंट ऑफ माई वेजेस यानी मेरी मजदूरी की पेमेंट करने की व्यवस्था कर दीजिए पैसों से पैसा कमाया जाता है यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे लगा के बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो और इस पैसे से लगा के जो आपने बिजनेस बनाए उससे आप और पैसा कमाते हो तो पैसे उससे पैसा कमाया जा सकता है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मनी बिगेट्स मनी जरा सौ रुपया एडवांस दीजिए एडवांस दीजिए यानी पहले ही दे दीजिए जैसे हम कोई चीज बुक करते हैं मान लो हमने कोई रूम बुक किया किसी फंक्शन के लिए तो हम उसको एडवांस में बुक करते हैं यानी एडवांस पेमेंट करते हैं हम किसी दर्जी के पास ही जाते हैं कुछ सिलाई करवाने के लिए तो हम उसको सारी पेमेंट एक साथ लास्ट में नहीं देते हम उसको कुछ एडवांस भी देते हैं तो यहाँ पे इसी एडवांस की बात हो रही है कि मुझे थोड़ा सौ रुपए एडवांस में दे दीजिए तो काइंडली गिव मी हंड्रेड रुपीज इन एडवांस काइंडली हमने क्यों कहा जिससे कि जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा पोलाइट देने लगे ऐसा ना लगे कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ मुझे एडवांस दे दो सौ रुपए नहीं हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो हम हमेशा उसे रिक्वेस्ट के फॉर्म में मांगेंगे तो काइंडली गिव मी हंड्रेड रुपीज इन एडवांस यानी आप कृपया मुझे सौ रुपए एडवांस में दे दीजिए क्या तुम कोई बिजनेस करते हो आई यू इन बिजनेस कोई बिजनेस करते हो का मतलब बिजनेस में होना इन बिजनेस का मतलब ये हो गया कि बिजनेस करना या बिजनेस में होना नेक्स्ट है मेरे ऊपर कर्ज है कर्ज है यानी कि डेब्ट है लोन है तो आई एम अंडर डेप्ट डेप्ट के आगे हमेशा अंडर लगता है आई एम इन डेप्ट नहीं होता आई एम अंडर डेप्ट होता है ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कितने पैसे हुए हाउ मच इज द बिल कितने पैसे हुए यानी कि बिल के कितने पैसे हुए जैसे मान लो हम ऑटो से या टैक्सी से जा रहे हैं तो हम पूछते हैं ना कि कितने पैसे हुए तो यहाँ पे वही चीज है हाउ मच इज द बिल इस चीज का दाम क्या है हाउ मच कॉस्ट सिंपल है यह चेक कैश कराना है यहाँ पे चेक कैश कराना है यानी कि पैसे मुझे इस चेक से चाहिए तो जब भी चेक कैश कराना होता है इसका मतलब होता है कि चेक के बदले पैसे चाहिए इस चेक को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते तो दिस इज टू बी इन कैश इन कैश यानी इस चेक को जमा करके मुझे पैसे चाहिए so, का मतलब हो गया कैश कराना है ये चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डालो तो लेटर बॉक्स पे चिट्ठियां का क्या को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं पोस्ट एस टी पोस्ट पोस्ट करना यानी चिट्ठियों को लेटर बॉक्स में डालना तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगा पोस्ट दीज लेटर्स यानी इन लेटर्स को ऑफिस में पोस्ट कर दो या लेटर बॉक्स में डाल दो या पोस्ट कर दो सभी का एक ही मीनिंग है आजकल बिजनेस को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बिजनेस इज बैड दीज डेज तो सिंपल ट्रांसलेशन हुई बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है सिंपली हमने इसके लिए लिख दिया कि बिजनेस इज बैड दीज डेज तो ये बैड का मतलब ही यही हो गया कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है बिजनेस मंदा चल रहा है बिजनेस जोर शोरों से नहीं चल रहा है बिजनेस में कठिनाई हो रही है तो इन सब के लिए हमने सिर्फ एक वर्ड यूज कर दिया बिजनेस इज बैड फिर नेक्स्ट है आपका काम क्या है आपका काम क्या है नहीं कि आप क्या काम करते हैं आप दर्जी हैं आप मोची हैं आप हेयर है ड्रेसर हैं आप कौन सा काम करते हैं ये हम पूछ रहे हैं तो वट इज योर प्रोफेशन सिंपल इस कंपनी में कितने हिस्सेदार हैं हिस्सेदार का मतलब होता है कि शेयर्स के जो होल्डर है वो कौन कौन है यानी कितने हैं? तो सिंपल हिस्सेदार को इंग्लिश में हम कहेंगे शेयर होल्डर्स हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर इन दिस कंपनी तो हम पूछ रहे हैं कि कितने हिस्सेदार हैं तो कितने के लिए यूज हमने क्या किया हाउ मेनी हाउ मेनी कितने हिस्सेदार हैं तो हाउ मेनी शेयर होल्डर्स इस कंपनी में यानी आर देयर इन दिस कंपनी नेक्स्ट है वह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है तो ही इज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड यान द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिंपल ट्रांसलेशन है इसमें कुछ भी इफ्स और वर्ड्स नहीं है नेक्स्ट है हम ब्रोकर है तो वी आर ब्रोकर बिल्कुल सिंपल है हम ब्रोकर है तो वी आर ब्रोकर हम डांसर्स है तो वी आर डांसर्स हम सिंगर्स हैं तो वी आर सिंगर्स क्या आपने माल का इन्वॉइस भेज दिया जो मैंने माल आपसे खरीदा था मैंने जो आपसे गुड्स लिए थे उसका क्या आपने मुझे इनवॉइस का मतलब क्या होता है बिल हो जाता है तो इनवॉइस बोलो चाहे बिल बोलो वो प्रॉपर बिल होता है उसमें जिसमें ब्यौरा लिखा होता है कि कितने आइटम्स परचेज किए क्या रेट पे क्या क्वांटिटी थी फिर उसका टोटल अमाउंट कितना बैठा डेट टाइम जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर ये सब कुछ होता है इनवॉइस में हैव यू सेंट एन इनवॉइस फॉर द गुड तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे क्या आपने भेजा तो क्या आपने भेजा को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे हैव यू सेंट तो हैव यू सेंट इन वॉइस इंग्लिश में इन वॉइस ही रहेगा एन इन वॉइस फॉर द गुड्स माल यानी गुड्स नेक्स्ट है उसका काम कैसे चल रहा है हाउ इज ही डूइंग कैसा चल रहा है मतलब कैसा काम चल रहा है उसका आजकल तो हाउ इज ही डूइंग फिर आगे रहेगा क्वेश्चन मार्क अब याद रखे रिमेम्बर लेक्चरशिप इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन यानी लेक्चरशिप सम्मानजनक पेशा है यहाँ लेक्चरर यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसमें शिप प्रत्यय लगाने से नई संज्ञा बन गई जो कि भाववाचक संज्ञा है यानी लेक्चरशिप बन गई शिप प्रत्यय में समाप्त होने वाले शब्द बहुधा भाववाचक संज्ञा होते हैं जैसे स्कॉलरशिप मेंबरशिप किनशिप हार्टशिप यानी कठिनाई फ्रेंडशिप यानी मित्रता आदि जिन शब्दों के अंत में हुड प्रत्यय हो वो भी भाववाचक संज्ञा होते हैं जैसे आई नो हिम फ्रॉम चाइल्ड हुड चाइल्डहुड यानी बचपन से तो ऐसे जो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम आगे शिप लगाते हैं तो वो हमें नए वर्ड जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है हमें वो भाववाचक संज्ञा मिलती है जैसे यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड यानी दोस्त दोस्त क्या है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन है इसमें जब हमने शिप एड कर दिया तो हमें जो नया वर्ड मिला वो हमें मिला फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप जो है वो कैसा नाउन है ये एबस्ट्रेक्ट नाउन है यानी ये भाववाचक संज्ञा है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती और फ्रेंड यानी दोस्त तो ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसमें हम शिप ऐड करेंगे आगे तो हमें नया जो वर्ड मिलता है वो भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउ मिलता है तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें हुड लगा के भी हमें अन्य शब्द मिलते हैं जैसे फादर से हमें फादरहुड मदर से मदरहुड मिलता है मैन से मैनहुड बॉय से बॉयहुड गर्ल से गर्लहुड और पेरेंट से पेरेंटहुड तो ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए बस इतना ही बने रहिए चैनल पे ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे